नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि मॉर्निंग में उठने के बाद मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। जब आप ब्रश करते हैं तब बदबू खत्म हो जाती है, लेकिन कई लोगों में देखा गया है कि ब्रश करने के बाद भी मुंह में बदबू दिन भर रहती है। ऐसे लोगों के साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता। बहुत से लोग दिन भर टोकते रहते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मुंह में बदबू होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पैकेज में हम मुंह से आने वाली बदबू को ठीक करने के बारे में बात करेंगे। ज्यादा पानी ना पीने के कारण, मसालेदार चीजें ज्यादा खाने के कारण, ब्रश ना करने के कारण और भी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके मुंह से बदबू आती है। जिन लोगों को 24 घंटे मुंह में बदबू रहती है, ऐसे लोगों को मुंह से रिलेटेड बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दांतों में कीड़े, दांत कमजोर होना, मसूड़ों का फूलना और भी बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं इस मुंह की बदबू से आखिर कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। वैसे तो आप रोज ब्रश करते ही होंगे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि रोज ब्रश करना चाहिए, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ब्रश करते टाइम हर दांत के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ कीजिए। खाना खाते टाइम खाने के कुछ कण दांतों के बारीक बारीक सुराखों में फंस जाते हैं, जिससे मुंह में बदबू होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। प्रॉपर तरह से ब्रश करने से आपके दांत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनते हैं। तो आगे से ब्रश सिर्फ दांतों की चमक पाने के लिए ही नहीं, बल्कि दांतों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए भी कीजिए। दांतों में फंसी गंदगी को भी निकालना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर तरह से ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी दांतों में गंदगी फंसी रह जाती है और कई बार तो वो गंदगी दिखाई भी नहीं देती। फिर आप परेशान रहते हैं कि मैं तो ढंग से ब्रश करता हूँ, फिर भी बदबू क्यों आती है? दांतों के बीच में बहुत बारीकी से सफाई करने के लिए आप डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉस बहुत आसानी से आपके दांतों के बीच में फंसी बारीक से बारीक गंदगी को बाहर निकाल देता है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा ब्लड निकले, बट डरिए नहीं और सभी दांतों को ढंग से साफ कीजिए। दोस्तों, मुंह की बदबू से बचने के लिए टंग क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। कई लोग दांतों को ही प्रॉपर तरीके से साफ करते हैं और वो टंग क्लीन करना भूल जाते हैं। टंग क्लीनर किसी भी केमिस्ट शॉप पे बहुत ही इजीली अवेलेबल है। एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार टंग क्लीन जरूर करनी चाहिए, तभी आपको प्रॉपर फ्रेशनेस फील होगी। कई लोग क्या, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर देखा गया है कि उनके मुंह से बहुत बदबू आती है। ज्यादा पानी पीने से उनकी बॉडी में नमी की मात्रा ज्यादा होती है और बॉडी की गंदगी टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो अगर आप ज्यादा पानी नहीं पीते हैं तो दोस्तों, आज से ही पानी पीना शुरू कर दीजिए। माउथ वॉश का यूज करें। अगर सब कुछ करने के बाद भी आपके मुंह से बदबू नहीं जाती है तो फिर आपको माउथ वॉश का यूज करना चाहिए। कोशिश करें कि एक दिन में कम से कम 2 बार माउथ वॉश जरूर करें। दोस्तों, अगर आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपके मुंह से बदबू आती है। अब जानते हैं मुंह की बदबू भगाने के कुछ घरेलू इलाज। सौंफ खाइए। अगर आपको लगता है कि आपके मुंह से बहुत बदबू आ रही है तो दोस्तों, थोड़ी सौंफ अपने मुंह में डालें और उसे धीरे धीरे चूसें। आप अपने मुंह से बदबू भगाने के लिए च्युइंगम भी खा सकते हैं। नमक के पानी से गरारे करें। पानी को थोड़ा गुनगुना करें, उसमें नमक डालें और कम से कम 2 से 3 बार गरारे करें। ऐसा करने से मुंह में जमा कीटाणु खत्म हो जाते हैं। ऐसा हर रोज ना करें, हफ्ते में 1-2 बार करेंगे तो भी चलेगा। इलायची भी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये सौंफ की तरह ही काम करता है और लंबे टाइम तक इसकी खुशबू रहती है। इसे भी चबाना पड़ता है। एक दिन में आप 1 इलायची भी खाएं तो बहुत है। तो दोस्तों, इन सब टिप्स को ट्राई जरूर कीजिए। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को।